हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम ऋषभ और आज है हमारे पास ह्यूंडई एल्कॉज़ार की इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका ब्रोशर हो गया है लीक, वो भी कब, लॉन्च से पहले। लॉन्च है गाड़ी का 18th of June, आज है 11th of June और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक हफ्ते पहले इसी गाड़ी का ब्रोशर। थैंक्स टू रशलिन जिन्होंने हमारे साथ ही ब्रोशर शेयर किया। लेकिन वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज मैं प्रॉमिस करता हूं कि एल्कॉज़ार के ऊपर बहुत सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड करता रहूंगा यूट्यूब पे सबसे पहले। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज रियली इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के साथ। तो ह्यूंडई एल्कॉज़ार बेसिकली हम नाम तो दे रहे हैं उसका कि 7-सीटर क्रेटा है, लेकिन एल्कॉज़ार ज़्यादा अलग से इसलिए मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज एक तो होता ना एक गाड़ी है उसी का 7-सीटर वर्जन आ गया, ऐसा नहीं है। एल्कॉज़ार में बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ यूनिक भी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एक एक चीज जानने के लिए। ब्रोशर की इमेजेस मैं आपको यहाँ पर साथ साथ दिखाता रहूंगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेगमेंट के नाम पर यहाँ पर आपको एक MID मिल रही है, वो भी कलर्ड और कंप्लीट डिजिटल कॉकपिट दे रही है। ऑडी या BMW में आता है ऐसा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। एनालॉग कुछ भी नहीं है, सारा का सारा डिजिटल है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली प्रीमियम चीज़ प्रीमियम गाड़ी में मिल रही है आपको। साथ के साथ आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेगमेंट में जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है वो भी आपको इसी स्क्रीन पर मिल रहा है, यानी कि MID पे। इट मीन्स 360 डिग्री कैमराज आपको मिलेंगे, तभी तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर होगा। एंड ऑफकोर्स दे देगी राइट साइड लेफ्ट साइड का ब्लाइंड व्यू मॉनिटर होगा, फ्रंट कैमरा हो सकता हो, रियर तो होता ही है, तो 360 होंगे। हालांकि एग्जैक्ट मेंशन कहीं पर नहीं किया गया कि 360 डिग्री कैमराज हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में आपको सेकंड रो में वायरलेस चार्जर मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। फर्स्ट रो में तो वायरलेस चार्जर मिल जाता है, सेकंड रो में नहीं मिलता, तो इस सेगमेंट में अब आपको वो भी मिलने लग जाएगा। प्रीमियम बोस के स्पीकर्स, 8-स्पीकर सिस्टम फर्स्ट एंड सेगमेंट एज वेल, काफ़ी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है ये, आप सब जानते ही हैं। एम्बिएंट लाइटिंग देखो, फर्स्ट एंड सेगमेंट नहीं लगती है, एम्बिएंट लाइटिंग सुन के काफ़ी गाड़ियों में आती है, लेकिन अगर आपको मिल जाए 64 कलर्स तो वो कैसा लगेगा। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है जैसी आपको MG ग्लॉस्टर में मिलती है, लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। साथ के साथ आपको पीछे की सीट्स टंबल वाली मिल जाती हैं, वो भी बेस्ट इन सेगमेंट कहती है कंपनी। और आपको फ्रंट सीट के बैक वाली जगह पर एक ट्रे मिलती है जहां पर आप अपनी टैबलेट या लैपटॉप्स वगैरह रख सकते हैं विद कप होल्डर्स, लुक्स रियली इंप्रेसिव। ध्यान दें ये टैबलेट आपको साथ में मिलेगी, दिस इज जस्ट दी होल्डर। आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट इन सेगमेंट में यहाँ पर एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है विद AQI डिस्प्ले, बिकॉज 7-सीटर वर्जन में जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं सफारी XUV उन सब में ये चीज़ें नहीं आती हैं। हालांकि नई वाली XUV में काफ़ी कुछ होगा वो, बट आगे है, अभी एल्कॉज़ार की बात करते हैं। 18th को इसका लॉन्च है। ऑन रोड प्राइजेस और एक्सशोरूम प्राइजेस मेरी कोशिश तो है 18 से पहले ही आपके लिए लीक कर दूं, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो 18th को गाड़ी लॉन्च होते ही आपके पास ऑन रोड प्राइजेस भी गाड़ी के मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम पर भी, तो वहां पर फॉलो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वुड बी द पैनोरामिक सनरूफ, काफ़ी बड़ी है और वॉइस इनेबल्ड भी है। इट मीन्स हेलो ब्लू लिंक ओपन द सनरूफ, तो आपकी सनरूफ खुल जाएगी। प्लस आपको यहाँ पर ड्राइव मोड्स एंड ट्रैक्शन कंट्रोल्स तो मिल ही रहे हैं, एडवांस ब्लू लिंक आपको मिल रहा है ऑफ कोर्स विद द OTA मैप अपडेट्स, और आपको लॉन्गेस्ट व्हील बेस मिलेगा ऑफ 2760 mm, जो क्रेटा है उसमें है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2610 इज इन द क्रेटा, तो 150 mm ज़्यादा आपको मिल जाता है इन द एल्कॉज़ार। हालांकि लेंथ विड्थ एंड हाइट एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि एल्कॉज़ार की कितनी होगी, बट ऑफकोर्स क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी लेंथ होगी। इसके अलावा ब्रोशर में आपको 6-सीट कॉन्फ़िगरेशन 7-सीट, ये तो हम पहले भी फोटोज दिखा चुके हैं, तो मैं ब्रोशर के अलावा आपको दिखा देता हूँ। फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस आपको मिल जाती है। कलर ऑप्शंस बताना चाहूँगा, 6 सिंगल टोन 2 मोनोटोन। सिंगल टोन में आपको ब्राउन, सिल्वर, वाइट, ग्रे, ब्लैक एंड स्टारी नाइट, यानी कि डार्क ब्लू। स्टारी नाइट मेरा पर्सनल फेवरेट लग रहा है मुझे एल्कॉज़ार में, लेट्स सी एक्चुअल में ये कैसा देखने को लगता है। ड्यूल टोन में आपको पोलो वाइट के साथ ब्लैक रूफ मिलेगी और ग्रे के साथ ब्लैक रूफ, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा फॉर श्योर। इसके अलावा ब्रोशर के अगले पेज पर चलें तो इंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, जो कि एक दिल होता है गाड़ी का। यहाँ पर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल रहा है, बहुत ही बहुत बहुत पावरफुल, क्योंकि आपको मिल जाती है 159 PS ऑफ पावर विद 191 Nm ऑफ टॉर्क, विच मीन्स 0 to 100 एट 9.5 seconds ओनली। अब ये क्लेम करती है कंपनी, एग्जैक्ट द डेटा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट यू वरी। जैसे ही एल्कॉज़ार हम ड्राइव करेंगे जो कुछ ही दिनों में करने वाले हैं, आपको 0 to 100 टेस्ट भी उसका हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब जरूरी है। डीजल आपको वही क्रेटा वाला मिलेगा 115 PS विद 250 Nm ऑफ टॉर्क, ये आपको इंजन में मिल जाता है। अब इसी तरह इसके वेरिएंट्स हैं, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल, प्लैटिनम और सिग्नेचर, तो ये इसके 3 मॉडल्स हैं। और जो सिग्नेचर मॉडल है वो कम्प्लीटली एक नए शोरूम डिज़ाइन में सेल किया जाएगा,
आपको याद होगा महिंद्रा का एल्टूरस जो आई थी उसके लिए शोरूम को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया जाता था एक पार्ट, वैसे ही ह्यूंडई में किया जाएगा क्योंकि काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है ये ऑफकोर्स। और गाड़ी को आप बुकिंग करवा सकते हैं 25,000 रुपीज़ देकर, आपको वो भी दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की। उसके अलावा आपको कैंसिलेशन चार्जेस नहीं है अगर आप 18 से पहले कैंसिल करते हैं ऑफकोर्स, और बाकी चीज़ें हैं वो आपको शोरूम वाले बेटर बता पाएंगे। वेरिएंट वाइज जो इंजन और सिक्स सीट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं उसका चार्ट यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है प्राइस। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 10 to 17 lakhs जो है, और मे बी 18 ड्यू टू वेरी वेरी हाई डिमांड और बहुत ज़्यादा फीचर्स की वजह से भी 18 lakhs इसके एक्स शोरूम प्राइस हो सकती है, विच विल टेक इट टू 21 lakhs ऑन रोड इन मेजर स्टेट्स। अब देखना ये होगा कि एग्जैक्ट प्राइसिंग इसकी क्या आती है। इसके अलावा छोटे मोटे फीचर्स और हैं जैसे कि ग्रिल कम्प्लीटली डिफरेंट है, अलॉय व्हील्स डिफरेंट है, साइड स्टेप आपको मिल जाता है यहाँ पर गाड़ी में चढ़ने के लिए, एंड वो भी गाड़ी को एक अच्छी स्टैंस दे देता है, रोड प्रेजेंस दे देता है, और छोटी 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 चीज़ें और हैं, बट मेजर मैंने आपको सारी बता दी। फिर भी कुछ रह जाएगी तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कई बार कोई एक पर्टिकुलर चीज़ रह जाती है, बट आई थिंक सारी हो गई। तो ये था मेरी तरफ से ह्यूंडई एल्कज़ार के बारे में लेटेस्ट अपडेट। बहुत जल्द इसकी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, चाहे पेट्रोल मैनुअल, डीजल, डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल ऑटोमेटिक, इनके ड्राइव रिव्यूज़, मिडिल मॉडल, बेस मॉडल, टॉप मॉडल, वैल्यू फॉर मनी मॉडल, 0 to 100, माइलेज टेस्ट, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, एक ही चैनल पर सब कुछ। तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।